उत्तराखंड में कई देवी देवताओं का वास है, यही वजह है कि इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ की वादियों में कई देवी देवताओं के सुंदर सुंदर मंदिर हैं, जो कि देश दुनिया के श्रद्धालुओं को मानसिक शांति के साथ ही आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है बागेश्वर जिले में स्थित बागनाथ। बागेश्वर को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। सरयू, गोमती और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित बागनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में हुआ। मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है बागेश्वर। बाघ के रूप में प्रकट हुए भगवान शिव। मार्कंडेय ऋषि को शिव ने दिया आशीर्वाद। सरयू के अवतरण से जुड़ी है बागनाथ की कथा। धर्मशास्त्रों के अनुसार राम अवतार के दौरान अवध नगरी सूखे से जूझ रही थी। रघुकुल के कुल गुरु वशिष्ठ अवध की धरती को सूखे से निजात दिलाने के प्रयास में जुट गए। इसी प्रयास से जुड़ी है भगवान बागनाथ की कथा। मैं सबसे प्रथम आपको ये बता दूं कि ब्यागरेश्वर यानी शिव जी का बाघ के रूप में यहाँ पर स्थापित होना, जब अयोध्या में राम अवतार हो रहा था उस समय वहाँ राम अवतार के वक्त सूखा पड़ गया था। जब सूखा पड़ा तो वशिष्ठ मुनि वहाँ पर थे, तो उन्होंने सोचा कि राम अवतार हो रहा है, जरा हरियाली यहाँ पर आ जाती तो बहुत अच्छा होता। तो उनके मन में विचार आया, वो जा करके वहाँ से निकलते हैं, हिमालयन की गोद जाते हैं जहाँ शिव जी जो हैं बैठे पड़े हैं, अपने ध्यान में मग्न हैं, जाते हैं प्रभु से आराध्य करते हैं, उनसे कहते प्रभु कोई ऐसा उपाय कर दीजिएगा जिससे कि वहाँ हरियाली आ जाए। तो भगवान ने कहा, शिव जी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने कहा बहुत बड़ा शुभ अवसर है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। उन्होंने कहा इस सरयू नदी को ले जाओ। सरयू नदी को धरती पर लाने में ऋषि वशिष्ठ को बाधा का सामना करना पड़ा, जिस बाधा को भगवान शिव ने दूर किया। वहां से सरयू नदी को लेकर के वशिष्ठ मुनि जब स्थली पर आते हैं तो यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जो है तपस्या में बैठे हैं आंख बंद कर करके। जब मार्कंडेय ऋषि तपस्या में बैठे हैं तो किसी की तपस्या भंग करने पर शराब मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां जब हुई तो वशिष्ठ मुनि सोचे मन में, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने पुनः जो है भगवान का आवाहन करा। शिवजी प्रकट हुए, शिवजी ने कहा देखो किसी की तपस्या करना ठीक नहीं है, अब एक उपाय सोचना पड़ेगा, मैं उपाय करता हूँ। तो उन्हें पार्वती को आदेश दिया, पार्वती से बोला कि आप स्वयं जा करके आगे चले मेरे, और जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे तो वहाँ पर आप गाय के रूप में आगे से दौड़ेंगे और मैं स्वयं बाघ का रूप धारण करके पीछे से गाय के पीछे दौड़ूंगा। जब परिस्थिति ऐसी, मार्कंडेय ऋषि अपने तपस्या में बैठे हैं आँख बंद करके, तो क्या होता है माँ पार्वती स्वयं गाय के रूप में दौड़ती है आगे से, माँ करके अपने आवाज़ में, जब माँ करके जोर से गाय की आवाज़ में बोलती है तो पीछे शिव जी जो शेर की आवाज़ में दहाड़ते हुए निकलते हैं। तो भगवान के आँख देखा तो मार्कंडेय ऋषि कानों पे आवाज़ आ रही है गाय की और बाघ की, उन्होंने कहा क्या हो गया मेरे आगे से। वो चौंक जाते हैं, एकदम खड़े उठते हैं, देखा सामने तो गाय को जो है शेर खाने को जा रहा है। अपनी जगह पर उठ करके जगह से उठ जाते हैं, तपस्या भंग हो जाती है। तो उनने हाँकने की कोशिश की तो माँ पार्वती ने गाय के रूप में और शिवजी ने बाघ के रूप में दर्शन दिए, नदी आगे को प्रवाहित होगी, नदी अयोध्या चलेगी। तो जब इस स्थली पर शिवजी ने मार्कंडेय ऋषि को बाघ के रूप में और माँ पार्वती ने गाय के रूप में दर्शन दिए, इसी बाघ के रूप में दर्शन देने की वजह से इसका नाम ब्यागरेश्वर पड़ा, जो अभी बागेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बाबा बागनाथ का मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका पुनः निर्माण चंद राजा लक्ष्मी चंद ने 15वीं-16वीं शताब्दी में कराया। लगभग 7वीं-8वीं सदी के लगभग इसका निर्माण हुआ है, और 1602 ईस्वी में चंद्रवंशी राजाओं ने इसका पुनः निर्माण किया। यहाँ के पुजारी जो हैं रावल लोग हैं। ये बागेश्वर का इतिहास है। सरयू, सरस्वती, गोमती का तट यहाँ पर संगम है, त्रिवेणी भी यहाँ पर है, और नीचे काल भैरव का मंदिर है, सामने जो है शिव जी का व्याघ्र के रूप में शिव जी का मंदिर है, ऊपर जो है चंडिका, और यहाँ नीलेश्वर, चारों धाम, चारों जगह जो है चारों दिशाओं में चारों धाम यहाँ विद्यमान है। यह जो है काशी के लगभग यहाँ पर इसकी मान्यता है, पूरा जो है इतिहास का साक्षी है कि ब्यागरेश्वर उत्तराखंड में ब्यागरेश्वर के नाम से ही इस जिले का नाम बागेश्वर पड़ा है। बागनाथ मंदिर की काफी मान्यता है, श्रद्धालु देश विदेश से बागनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं सरयू गोमती के संगम में स्नान के बाद बागनाथ के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। मैं बताऊं आपको कि अमेरिका से भी लोग यहां आते हैं, प्रत्यक्ष उनकी पूजा मैंने कर रखी है, उसका प्रमाण है।
लोग इसी मंदिर की पूजा के मात्र अमेरिका से यहाँ पहुँचे हुए हैं, और हमारे ज़िले से तो ये नॉर्मल बात है, हमारे देश से नॉर्मल बात है, बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है, यहाँ पर लोग जो भी अपनी मन्नत लेकर के आता है उसकी मन्नत लगभग यहाँ पर पूरी होती है। सरयू गोमती सरस्वती का जो तट है स्नान के लिए ये लोग विख्यात है। यहाँ पर माघ के महीने में स्नान के लिए ही मात्र लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि अपने पापों का प्राश्चित माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का प्राश्चित होता है, इसलिए वो सरयू सरस्वती गोमती के तट पर अपनी पापों का प्राश्चित करने के लिए स्नान करते हैं। तत्पश्चात काल भैरव बागनाथ के दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए उधर बाणेश्वर के दर्शन करते हैं, तब उनके पूर्ण मंदिर के पुजारी नंदन रावल बागनाथ मंदिर को विकसित करने पर जोर देते हैं ताकि क्षेत्र में तीर्थाटन का विकास हो सके। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने हमारे यहाँ पर प्रसाद योजना एक लाए हैं, वो जिसमें सूर्य कुंड से अग्निकुंड तक वो बनेंगे, इसमें क्या कहते हैं, ये सूर्य कुंड से अग्निकुंड तक दोनों तरफ नदी को जो बीचों बीच लाया जाए, ये तटबंध बनने वाले हैं। और बागनाथ, हमने तो अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भी दिया है कि बागनाथ मंदिर और बाणेश्वर मंदिर को बाहर से और अंदर से केमिकल से सफाई किया जाए, जिससे कि ये जागेश्वर मंदिर की तरह और उधर केदारनाथ मंदिर की तरह ऐसे चमके, ये हमने उनसे अपेक्षा की है और संभावना है कि ये काम होगा। बागनाथ समेत उत्तराखंड के सभी आस्था के केंद्रों में तीर्थाटन को विकसित करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति मिलने के साथ ही उत्तराखंड की आर्थिकी को भी बढ़ावा मिले। अब देखने वाली बात होगी कि तीर्थाटन के लिए अब आगे क्या होगा। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क।